इस वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन कैसे बनाएं। देखिए ब्लाउज मैंने कट कर लिया है, ये ब्लाउज है और इसका अस्तर है ड्राफ्ट अस्तर पर। देखिए ब्लाउज की लंबाई 14 इंच ली है, ये 34 साइज का है, 10.5 इंच लिया है, तैयार करूँगी तो 8.5 इंच आएगा, 2 इंच का मार्जिन है। तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और जो इसके शोल्डर लिए हैं ये मैंने 5.5 इंच लिए हैं। तो देखिए जो इसके मुड्डे लिए हैं ये 5.5 इंच लिए हैं और इसका शोल्डर मैंने 5.5 इंच लिया है। अभी नेक ड्रॉ करेंगे, ये थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा, शोल्डर से 3.5 इंच ले लेंगे, 3.5 इंच से एक बॉक्स बना लेंगे। ये मैं 10.5 इंच ले रही हूँ गहराई नेक की, आप अपने साइज़ के अनुसार ले सकते हैं। डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं तो देखिए यहाँ से इस तरीके से नीचे से थोड़ा सा ब्रॉड करते हुए, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही देना है। और इसके इस तरीके से वी शेप आ जाएगी, यहाँ पर सेम ड्रॉट पर कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके का ये ड्राफ्ट रहेगा। अभी सिलने का तरीका बता देते हैं। नीचे सीधा ब्लाउज रख दिया है, इसके ऊपर अस्तर, और इस तरीके से नेक को स्टिच कर देंगे, कमर में भी स्टिचिंग डाल देंगे, नेक को कट कर देंगे, इसको पलट देंगे, इसके बाद इसकी फिनिशिंग देंगे। और डिजाइन देने वाले उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए डिजाइन देने के लिए कुछ पीस कट कर लिया मैंने, साइज बता देते हैं। देखिए इसकी जो चौड़ाई ली है मैंने 3 इंच ली है, और ये हमारी लंबी पट्टी है, ये 2 पट्टी लंबी है। इसी तरीके से दोनों पट्टी मैंने कट कर ली है, तो दोनों पट्टियों को हम खोल देते हैं। देखिए एक और पीस लिया है जो कि इसकी 3.5 इंच चौड़ाई है और लंबाई जो है इसकी 6.5 इंच है। तो इसको हम चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे, बीच में कट देके इसको पलट देंगे। तो देखिए और डिजाइन देने के लिए मैंने कुछ पट्टी कट कर ली है, इसका साइज बता देती हूँ। चौड़ाई 2.5 इंच ली है, इस तरीके से मैंने 2-3 पट्टी कट कर ली है। इसको इस तरीके से पहले फोल्ड कर लूँगी, किनारे पर सिलाई डाल देंगे, और फिर इसमें हम यहाँ पर प्लेट डाल के इसकी प्लेटें फ्रिल तैयार करेंगे, उसके बाद फिर डिजाइन देंगे। देखिए जैसे मैंने बताया था मैंने नेक को स्टिच कर लिया, नेक को कट कर दिया, नीचे कमर में भी फिनिशिंग दे दी है, और अभी पलट के इसके किनारे पे सिलाई डाल देते हैं। तो देखिए ये नेक की फिनिशिंग कंप्लीट हो चुकी है। जैसे प्लेट डालते मैंने प्लेट भी डाल दी है, इसको साइड में रख देते हैं। और जो हमने फ्रिल तैयार करी थी उसके बारे में बताती हूँ। देखिए जो फ्रिल के लिए कपड़ा लिया था मैंने, जॉइंट कर लिया है और इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके स्टिच डाल दिए हैं। प्लेट कैसे डाली है वो आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके की 1/2 इंच की फोल्ड कर देंगे, तो ये इस तरीके की फ्रिल हमारी तैयार हो जाएंगी, और फिर से फोल्ड कर देंगे। देखिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से एक साइड से नेक से यहाँ पर रख लेंगे, ऊपर किनारे पर सेम शेप में स्टिच कर देंगे। देखिए ये फ्रिल कंप्लीट हो चुकी है, इसको साइड में रख देते हैं। और जो मैंने पट्टी कट की थी, तो देखिए मैंने जैसे बताया था एक साइड से लेके पूरा मैंने यहाँ तक स्टिच कर दिया है। अभी इसको हम पलट देंगे, तो देखिए इस तरीके से इसको पलटेंगे। तो देखिए ये पट्टी पलट चुकी है, इसी तरीके से मैंने दोनों पट्टी तैयार कर ली हैं। अभी हमने एक और पीस तैयार किया था, तो देखिए इसको भी मैंने चारों तरफ से स्टिच कर लिया है, और इसको बीच में से कट दे देंगे। देखिए इसको मैंने आयरन कर लिया है, जो पट्टी है इनको भी आयरन कर लिया है। तो जो हमारा ये पैच है जो डिज़ाइन देने वाले हैं, इस पर एक लेस लगाते हैं। तो देखिए मैंने ये गोल्डन ले लिया है, आप कोई भी कलर की लेस इसमें यूज कर सकते हैं। तो मैं इसके चारों तरफ ये लेस लगा दूंगी। ब्लाउज को खोल देंगे, और जो ये पट्टी है इस पट्टी को यहाँ पे हम स्टिच करेंगे। तो शोल्डर से आप यहाँ पे 2.5 इंच छोड़ने के बाद इस पट्टी को यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो देखिए सिलाई मार्जिन इस तरीके से ले लें, और यहाँ से पिनअप कर देते हैं पहले।
देखिए एक साइड में पिनअप कर दिया है, सेम दूसरी साइड में भी इसी तरीके से दूसरी पट्टी को यहाँ पे पिनअप कर देंगे। देखिए इसको भी पिनअप कर दिया है और यहाँ पे हम सिलाई डाल देंगे। सिलाई डाल देंगे तो ये पट्टी हमारी अच्छे से तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे इस तरीके से देख लें, ना तो टाइट हो ना लूज हो, यहाँ पे इस तरीके से एक गांठ मार देंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे आप। अभी जो हमने ये नॉट बनाई है, इस नॉट को यहाँ पे स्टिच कर दें धागे से ही, मशीन से ज़रूरत नहीं है। मशीन से तो आपको शोल्डर पर स्टिच करना है, यहाँ पे सिर्फ धागे से हम इसको अटैच कर दें। देखिए जब ये स्टिच हो जाएगा तो जो हमारी ये फ्रिल है, इन फ्रिल को हम डिज़ाइन करते हैं, तो यहाँ से इस फ्रिल को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और किनारे पे एक कोने पे टांका लगा देंगे। इसमें सेम कलर का धागा ले लें, जिस कलर का भी इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। और जो ये मोती है, छोटे वाले मोती लिए मैंने, इस मोती को यहाँ पर स्टिच कर देंगे। तो देखिए ये मोती मैंने पूरे में स्टिच कर दिए हैं, पूरे नेक में। और देखिए यहाँ पर जो हमने टांका लगाया था उसको एकदम टाइट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर हमारी ये नॉट दिख रही है और ये लंबी सी पट्टी दिखेगी। जब आप पहनेंगे तो पट्टी आपकी कुछ इस तरीके से दिखेगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो फ्रिल है वो मोती और फ्रिल, कितनी सुंदर ये डिज़ाइन लग रही है। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी ब्लाउज की बैक नेकलाइन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।